नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ा दिन, कई विपक्षी नेता एक साथ पार्टी में शामिल। बुधवार का दिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। कांग्रेस और एनसीपी जैसी विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों से आने वाले नेताओं में 4 विधायक और 52 पार्षद शामिल हैं। इस साल ये पहली बार हो रहा है कितने सारे विपक्षी नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एनसीपी के विधायक शिवेंद्र सिंह भोसले, वैभव पिचड़, संदीप नाइक और कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर ने विधानसभा स्पीकर हरिभाव बागड़े को अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। 3 तलाक बिल पर विपक्ष ने कहा, देरी से मिली जानकारी। मंगलवार को 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया। इस पर विपक्ष ने सरकार पर छल कपट और धोखे का आरोप लगाया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र की परवाह नहीं करती और न ही संसद की। उन्होंने कहा कि 3 तलाक बिल को पेश करने की जानकारी देरी से दी गई, जिसकी वजह से हम अपने सदस्यों को उसकी जानकारी भी नहीं दे सके। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पुलिस हिरासत में, गलत डॉक्यूमेंट देने का आरोप। लोकसभा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया है। सपा विधायक अब्दुल्ला पर पासपोर्ट बनवाने के दौरान गलत डॉक्यूमेंट देने का मामला दर्ज है। आरोपों के मुताबिक उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट पर अलग जन्म तिथि अंकित है। अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बीजेपी में शामिल होंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अप्रैल में पूरा होता कार्यकाल। कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के करीबियों में गिने जाने वाले संजय सिंह आज भाजपा में शामिल होंगे। संजय सिंह ने कल कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अमेठी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी अब भी अतीत में जी रही है और भविष्य को लेकर पार्टी को कुछ पता नहीं है। संजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अगले साल अप्रैल में पूरा होना था। डोपिंग टेस्ट में नाकाम हुए पृथ्वी शॉ, बीसीसीआई ने लगाया 8 महीने का बैन। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा टेस्ट ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को प्रतिबंधित दवाई लेने के आरोप में बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए बैन कर दिया। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा कि पृथ्वी को एक ऐसी प्रतिबंधित दवाई के सेवन का दोषी पाया गया है जो अक्सर खांसी के दौरान इस्तेमाल में लाई जाती है। उन्हें टर्बुटेलाइन के सेवन का दोषी पाया गया है। शॉ के अलावा 2 अन्य घरेलू खिलाड़ी विदर्भ के अक्षय दुलारवर और राजस्थान के दिव्य गजराज को भी डोपिंग का दोषी पाया गया है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।